हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब। तो आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल एजुटेनमेंट हब के इस परिवार में। तो आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग देंगे। तो आज का हमारा सबसे पहला सवाल है REFUSE, रेफ्यूज। रेफ्यूज मतलब, तो आपके पास अब सिर्फ 5 सेकंड का समय है जवाब देने के लिए। अगर आप लोगों को इसका जवाब पता है तो कमेंट में फटाफट से जवाब बताएं। तो टाइम स्टार्ट होता है अब। तो इसका जवाब है इनकार करना। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है LESS, लेस। लेस को हिंदी में क्या कहते हैं? अगर आप लोगों को इसका जवाब पता है तो कमेंट में फटाफट से जवाब बताएं। तो टाइम स्टार्ट होता है अब। तो इसका जवाब है कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है EARN, अर्न। अर्न को हिंदी में क्या कहते हैं? तो आपके पास अब सिर्फ 5 सेकंड का समय है जवाब देने के लिए। अगर आप लोगों को इसका जवाब पता है तो कमेंट में फटाफट से जवाब बताएं। तो टाइम स्टार्ट होता है अब। तो इसका जवाब है कमाना। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है SOV, सॉव। सॉव को हिंदी में क्या कहते हैं? तो अगर आप लोगों को इसका जवाब पता है तो कमेंट में फटाफट से जवाब बताएं। तो टाइम स्टार्ट होता है अब। तो इसका जवाब है सीसा। अब हमारा अगला सवाल है LEARN, लर्न। लर्न का क्या मतलब होता है? तो अगर आप लोगों को इसका जवाब पता है तो कमेंट में फटाफट से जवाब बताएं। तो टाइम स्टार्ट होता है अब। तो इसका जवाब है सीखना। लर्न मतलब सीखना। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है FINDOUT, फाउंड आउट। फाउंड आउट को हिंदी में क्या कहते हैं? तो अगर आप लोग को इसका जवाब पता है तो कमेंट में फटाफट से जवाब बताएं। तो टाइम स्टार्ट होता है अब। तो इसका जवाब है पता लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है STUDY, स्टडी। स्टडी का क्या मतलब होता है? तो अगर आप लोग को इसका जवाब पता है तो कमेंट में फटाफट से जवाब बताएं। तो टाइम स्टार्ट होता है अब। तो इसका जवाब है अध्ययन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है STAND, स्टैंड। स्टैंड को हिंदी में क्या कहते हैं? तो अगर आप लोगों को इसका जवाब पता है तो कमेंट में फटाफट से जवाब बताएं। तो टाइम स्टार्ट होता है अब। तो इसका जवाब है खड़ा होना। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है CREATE, क्रिएट। क्रिएट का क्या मतलब होता है? तो अगर आप लोगों को इसका जवाब पता है तो कमेंट में फटाफट से जवाब बताएं। तो टाइम स्टार्ट होता है अब। तो इसका जवाब है उत्पन्न करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है DECIDE, डिसाइड। डिसाइड को हिंदी में क्या कहते हैं? तो अगर आप लोगों को इसका जवाब पता है तो कमेंट में फटाफट से जवाब बताएं। तो टाइम स्टार्ट होता है अब। तो इसका जवाब है निर्णय करना। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है LOVE, लव। लव का क्या मतलब होता है? तो अगर आप लोगों को इसका जवाब पता है तो कमेंट में फटाफट से जवाब बताएं। तो टाइम स्टार्ट होता है अब। तो इसका जवाब है प्यार करना। लव मतलब प्यार करना। तो ये थे आज के हमारे 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग। तो आई होप कि आप लोगों ने खुद को रैंक किया होगा और कमेंट में बताया होगा तो आप लोगों को कितने क्वेश्चन के आंसर पता थे। तो ऐसे यूजफुल कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को हिट जरूर करें, जिससे कि ऐसे यूजफुल कंटेंट जब भी आते हैं तो आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचते रहे। तो अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया।